नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंगन के पौधे को किस तरह से आप गमले में लगाएं और उसमें फल कैसे प्राप्त करें, इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबाए के सब्सक्राइब करें, और जो बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पौधा दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बैंगन का पौधा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल स्वस्थ बैंगन का पौधा होना चाहिए। तो ये कल्याणी बैंगन है, जो काले वाले बड़े साइज के होते हैं वो है। तो इसको जो है, आप पौधे को ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त पौधा लाए। ये देखिए, तो इसको हमें लगाना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है मिट्टी आप तैयार करें। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये DAP है, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP में डाल चुका हूं, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए, नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूं मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इस पे पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूं। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए, ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो, इसको इसके ऊपर रख दीजिए। देखिए इस तरह से, अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से गमले की मिट्टी तैयार करें, तो आपने तैयार कर लीजिए। अब यह पौधा देख लीजिए दोस्तों, अब इसको निकालना क्या है उसका तरीका ट्रिक देख लीजिए आप। ये देखिए, ये साइड से देखिए इस तरह से बना होगा, तो पॉकेट बना रहता है, तो नर्सरी से कभी भी लाए तो इस तरह के पॉकेट्स रहते हैं। ये देखिए इस तरह से, कुछ भी नहीं करना है, इसको दोनों साइड से पकड़ के हल्का सा आप इसे वो कीजिए, हल्का सा करेंगे तो पूरा छोड़ देगा मिट्टी, तो उसको हल्के हल्के आपको निकालना है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये निकल गया है पौधा। ये देखिए, तो अब हम पौधे को बीचों बीच सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। तो ये देख लीजिए, ये इस तरह से, और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी लगाएं तो बीचों बीच लगाए पौधे को, ताकि आसानी से सब जगह जड़ फैले। अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। अब मिट्टी डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, शाम के समय पौधे लगाइए, हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि शाम के समय पौधा लगाए और उसी तरह से लगाए। तो जैसे कि मैंने आपको जो है गमले की मिट्टी के बारे में बताया, उस तरह से आप खाद जो है डालें। जब यह पौधा, अभी आपको कम से कम 15 दिन तक के इस पौधे को जो है छांव में रखना है दोस्तों, छांव में रखें पौधे को, ताकि जो है हम जो है
ये पौधे का पूरा फल पा सकें और पौधा पनप जाए। 15 दिन बाद आपको धूप में ला के रखना है। और खाद जैसे कि मैंने आपको बताया है, DAP आप खाद डालिए, 2 महीने में एक बार 1 चम्मच चारों तरफ से घोल लीजिए और उसके बाद उसमें 1 चम्मच छोटे छोटे दाने ऐसे डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद पानी मत डालिएगा। और हमेशा गमले में पौधा खराब कब होता है, जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लगाया है। अगर कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।